नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण पब्लिकेशन के बिहार शिक्षक के माध्यमिक विद्यालय शिक्षक क्लास 9 to 10 NCERT और SCERT पर आधारित विज्ञान साइंस सब्जेक्ट के सेल्फ स्टडी गाइड और चैप्टर वाइज MCQ के बेस्ट बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और ये बुक दोस्तों बिहार टीचर के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9 और 10 के विज्ञान विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर परचेज कीजिए। ये बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का है, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में आपको आसानी से ये बुक मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस बुक के MRP के बारे में हम पहले बात करें दोस्तों, तो इस बुक का जो MRP है 275 रुपये, जिस पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर नंबर ऑफ पेज के बारे में बात करें तो 296 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ये दोस्तों एक कंप्लीट गाइड है, सेल्फ स्टडी कंप्लीट गाइड है। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज MCQ भी देखने को मिलेंगे क्लास 9 और 10 के लिए बिहार टीचर जो कि एग्जाम BPSC इस बार कंडक्ट कराने वाला है, ठीक है ना। चलिए इस बुक के अंदर के कंटेंट को देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा किरण पब्लिकेशन का ये बुक है, बिहार टीचर का ये बुक है, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक है क्लास 9 और 10 NCERT और SCERT विज्ञान विषय के लिए है दोस्तों। इस बुक के अंदर विज्ञान के तीनों सब्जेक्ट को जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के सेल्फ स्टडी गाइड है आपको देखने को मिलेगा, मतलब कंप्लीट थ्योरी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आपको क्लास वाइज चैप्टर वाइज आपके आपको MCQ भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों BPSC का जो नया टीचर का जो नियमावली है उस पर आधारित ये बुक है दोस्तों। और इस बुक से आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएगा, आप आसानी से इस बुक के मदद से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इस बुक का जो MRP है दोस्तों 275 रुपये, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें विषय सूची के बारे में, तो सबसे पहले आपको बताया गया है सफलता के सूत्र आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्लास 9 को कवर किया गया है। क्लास 9 में साइंस सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर किया गया है, जिसमें आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे आसपास के पदार्थ हो गए, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, परमाणु एवं अणु हो जाएंगे, जीवन की मौलिक इकाई, उत्तक, जीवों में विविधता, गति बल तथा गति के नियम हो जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण कार्य तथा ऊर्जा हो जाएंगे, ध्वनि हो जाएंगे, हम बीमार क्यों है, प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधनों में सुधार। क्लास 10 में आप देखिएगा यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु और अधातु हो जाएगा, कार्बन एवं उनके यौगिक हो जाएगा, तत्वों का अवर्त वर्गीकरण हो जाएगा, जैव प्रक्रम हो जाएगा, नियंत्रण एवं समन्वय हो जाएगा, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिक एवं जैव विकास हो जाएगा, प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन हो जाएगा, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा, ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे, हमारा पर्यावरण हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपको यहाँ पे अंतिम में दोस्तों ये देखने को मिल जाएगा, अंतिम में NCERT और SCERT के कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज MCQ भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब आगे हम दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि बिहार टीचर बनने के लिए कौन कौन से बातों का आपको ध्यान में रखना होगा, क्या आपको करना होगा, सारा कुछ आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आप स्टडी कर सकते हैं, सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ में आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दिया गया है कि एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ आपको डिटेल जानकारी देखने को मिलेगा। साथ में सिलेबस को कंपेयर किया गया है कि NCERT और SCERT के सिलेबस में क्या समानता है, क्या क्या सिलेबस है, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्लास 9 और 10 दोनों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों, साइंस जो सब्जेक्ट है वो 40 से 80 नंबर का पूछा जाएगा और सामान्य अध्ययन से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके भी डिटेल सिलेबस कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और 29 मई 2003 को जो जारी किया गया है शिक्षक नियमावली वो क्या है, सारा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। अब दोस्तों आप देखेंगे विज्ञान विषय के यहाँ पे हमारे आसपास के पदार्थ है कि मतलब पहला सब्जेक्ट है क्लास 9 का विज्ञान और पहला टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। यहाँ पे सारा आपको NCERT और SCERT पे आधारित आपको थ्योरी देखने को मिलने वाला है, पदार्थ के भौतिक स्वरूप हो गया, टॉपिक वाइज यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया, ईजी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, ठीक है, और एक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इंपॉर्टेंट टेबल आपको देखने को मिलने वाला है, हर जगह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी को यहाँ पे अरेंज किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि टेबल के माध्यम से जो स्टैटिक फैक्ट है उसको समझाया गया है, परीक्षा उपयोगी फैक्ट आपको अलग से देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। बॉक्स में आपको नोट करके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, मिश्र धातु हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे विलयन की सांद्रता हो गया, उसके बाद सारा कुछ आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्लास 9 को कवर किया गया और साइंस सब्जेक्ट आपका इस बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ दोस्तों देखिएगा भाषा बहुत सिंपल आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है।
बहुत सिंपल भाषा देखने को मिलने वाला है, इजी लैंग्वेज है इस बुक का, आप आसानी से समझ सकते हैं, लिमिटेड सोर्स है, इतने में आप आसानी से आप स्टडी करके इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्लास 9 और 10 में क्या आपको पढ़ना है वो जानकारी आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जगह जगह आपको इस तरह से स्टैटिक फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टेबल हो गया, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में भी आपको काफ़ी जानकारी देखने को मिलेगा, फिगर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्लियर देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार फिगर आपको देखने को मिलने वाला है बुक के अंदर, ठीक है। बुक में कोई कमी नहीं है दोस्तों, बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है और बहुत ही अच्छा बुक है ये, ठीक है ना। अब दोस्तों आगे देखो दोस्तों, देखिएगा जीवों में विविधता हो गया, उसके बाद यहाँ पे थैलोफाइटा हो जाएगा, सारा कुछ आपको काफ़ी शानदार काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों, और बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। बुक बहुत ही शानदार है, ठीक है, सारा जानकारी बहुत ही स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा, और क्लास 9 को देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर किया गया है, ठीक है ना। जो भी है एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, आपके सिलेबस के हिसाब से इस बुक को बनाया गया है, ठीक है। मैं आपको क्लास 10 में दिखाता हूँ क्लास 10 में किस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये अभी क्लास 9 ही चल रहा है यहाँ पे, ये क्लास 9 है, चलिए हम देख लेते हैं विषय सूची में ही चल लेते हैं यहाँ पे। तो क्लास 9 और क्लास 10 देखिएगा 97 पेज में है, तो 97 पेज निकालते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पे, 99 और ये 97। अब यहाँ दोस्तों देखिएगा सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ आपको बताता हूँ रासायनिक समीकरण के बारे में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त शॉर्ट में लिखा जा सकता है। तो जो भी भाषा है बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इस बुक में आपको कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो भी जानकारी है वो टेबुलर फॉर्म में इस तरह से नोट में आपको देखने को मिलेगा, स्टैटिक फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, फिगर आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा, हर एक टॉपिक में जहाँ फिगर इंपॉर्टेंट है वहाँ फिगर दिया गया है, क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छे से किया गया है टॉपिक का, ठीक है। और फिगर दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। हर एक चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अनुवांशिकता हो गया, जैव विकास हो गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों आगे दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेगा। थ्योरी जब खत्म होगा तो क्लास वाइज आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्लास 9 पहला अध्याय हो गया हमारे आसपास के पदार्थ, उसका एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आंसर की आपको देखने को मिलेगा, दूसरा अध्याय हो गया। इसी तरह से आपको क्लास 9 और 10 के एमसीक्यू जो मतलब जो बुक में दिए गए हैं वो एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, उन पर आधारित। तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, आप इस बुक से थ्योरी भी कर सकते हैं, आप इस बुक से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, और जो भी कंटेंट आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो जो भी टॉपर्स होते हैं वो किरण पब्लिकेशन के बुक को दोस्तों फॉलो करते हैं, तो आपको ये बुक दोस्तों बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि किरण पब्लिकेशन का जो बुक होता है दोस्तों इसमें एरर बहुत कम होते हैं, ना के बराबर एरर होते हैं, और बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। इस बुक को आप ज़रूर परचेज कीजिए अगर आप बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं विज्ञान विषय के लिए, क्योंकि इस बुक में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको मिलने वाला है। और ये बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न है उस पर आधारित ये बुक है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी कुछ आप दोस्तों बुक देख सकते हैं, अगर आप सामाजिक विज्ञान के विषय के लिए तैयारी कर रहे थे इसका भी सेल्फ स्टडी गाइड मिल जाएगा। सामान्य अध्ययन जो 40 मार्क्स होता है ये वाला गाइड आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे भी 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रैक्टिस वर्कबुक भी अगर आपको चाहिए, प्रैक्टिस वर्कबुक दोस्तों देखिए ये विज्ञान सब्जेक्ट का प्रैक्टिस वर्कबुक है, इससे भी चाहे तो ले सकते हैं आप। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इन सभी बुक को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और भी बुक मैं बता दूं दोस्तों, जैसे ये बुक है अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास, राजव्यवस्था, पर्यावरण, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी एनसीईआरटी पर आधारित बहुत ही शानदार बुक है। अब दोस्तों ये देखिए सामान्य ज्ञान का ये बुक है, इसे चाहे तो ले सकते हैं। अगर आपको डिटेल में जीके पढ़ना है तो आप ये बुक दोस्तों ले सकते हैं, अभी अभी लॉन्च हुआ है और ये 2024 का नया एडिशन है, ठीक है, 23-24 का नया एडिशन है। सामान्य ज्ञान वन लाइनर
एनसीईआरटी जीके, ठीक है ना, इसे भी ले सकते हैं। ठीक है, इस बुक के बारे में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।